नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया हुआ था कि जो है ज्योग्राफी का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग को कराइए। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है बच्चों हम लेके आए हुए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड का ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप पूछे जा रहे हैं और उनका सिलेबस भी अब यही हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। एक बात और, पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है इसका, वहां से आप लोग लिंक या साइट पे जाके वहां से लिंक डाउनलोड करके वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलेंगे क्वेश्चन की ओर, देखेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन हम लोग का बना रहे और आप लोग के लिए अच्छे टिप्स और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वही हम लाएंगे। ठीक है, और वही लाते ही हैं इस चैनल के माध्यम से। सारे आप लोग जो है कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इकाई फर्स्ट जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ना है कि मानव भूगोल, क्या पढ़ना है, मानव भूगोल की अवधारणा, इससे क्या स्पष्ट होता है, मानव भूगोल की अवधारणा, उसका जो है ढांचा, उसका शेप, ठीक, तथा प्रकृति, उसकी प्रकृति, अर्थ तथा उसका क्षेत्र कहां तक है। इकाई फर्स्ट में बस यही देखेंगे, क्या देखेंगे, उसकी अवधारणा, प्रकृति, अर्थ और उसका क्षेत्र कहां तक रहा है, कौन किया है, कैसे किया है, कौन वैज्ञानिक है उसका। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन अराइज करेंगे और इस टाइप से क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ इकाई फर्स्ट है, इसका हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, वीडियो देखिए तभी आगे की वीडियो समझ में आएंगे, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा बच्चों। ठीक है, यही हमारे से गुजारिश है कि स्किप करके नहीं देखिएगा, अगर प्रिपरेशन करना है अच्छे तरीके से तो वीडियो में देखते रहिए और रेगुलर बने रहिए, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। ठीक है, वीडियो बस एक बार देख लेना है, इसी की जरूरत है। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक जो है निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई है, वह कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिसके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखी गई है, वह कौन से राइटर हैं, क्या है राइटर, राइटर का नेम पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, वह कौन से राइटर है, अल्बर्ट डिमांजिया, डॉक्टर एल्सवर्थ हटिंगटन, ब्लॉच, ब्रुंस। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है बच्चों ब्लॉच के द्वारा लिखी गई है, लेखक का तो ही नाम पूछ रहा है, इसमें तो कुछ डिटेल्स भी हम आप लोग को बताएंगे, क्या डिटेल्स, जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको डिटेल्स में बताएंगे ताकि जो है कोई क्वेश्चन आगे अराइज करे तो वो क्वेश्चन फंसे नहीं, आप लोग को क्वेश्चन कोई डाउटफुल नहीं हो। ठीक है, तो लेखक और पुस्तक है तो इसमें क्या डिटेल्स बताना बच्चों, थोड़ी थोड़ी जानकारी जहां आते चलेगा वहां हम बताते चलेंगे आप लोग को, डाउटफुल लगेगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग को अलग से वीडियो बना के लाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है पुस्तक भूगोलवेत्ता द्वारा ब्लॉच के द्वारा लिखी गई है, याद कर लीजिएगा बच्चों, लर्न कर लीजिएगा, ब्लॉच प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिए, एडर्न कुंडे, क्या, एंड कुंडे नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, एंड कुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, यही ना, तो रीटर के द्वारा, रेटजल के द्वारा, हम्बोल्ट के द्वारा, ब्लॉच के द्वारा, पते, तो ये है बच्चों एंडर कुंडे नामक पुस्तक जो है रीटर के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, रीटर के द्वारा, क्लियर। थर्ड नंबर देखिए,
मानव भूगोल का जनक, ठीक, मानव भूगोल का जनक, ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ फादर्स, उसका किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक डिस्कवर्ड किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजल को, पियर को, ब्लॉश को, स्ट्रैबो को, बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 नंबर का, फ्रेडरिक रेटजल को जो है ह्यूमन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ डिस्कवर्ड, मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेटजल को बोला जाता है। क्लियर, आगे की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए 4th नंबर, देखिए बच्चों, हम्बोल्ट तथा रीटर, क्या हम्बोल्ट तथा रीटर की मृत्यु का वर्ष तथा डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन का वर्ष था। फिर से क्वेश्चन देखिए, रिपीट करते हैं, हम्बोल्ट तथा रीटर की मृत्यु, ठीक, का वर्ष, उसका वर्ष बताना है, और डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन का वर्ष था, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है, हम्बोल्ट रीटर की मृत्यु और उसी समय डार्विन की एक पुस्तक उसकी प्रजाति की उत्पत्ति प्रकाशन के लिए आई थी, वह कौन सी पुस्तक थी बच्चों, तो वो थी कौन सी ईस्वी, 1849 ईस्वी, 1859 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1975 ईस्वी। तो 1859 ईस्वी में जो है बच्चों डार्विन की पुस्तक प्रजाति की उत्पत्ति का प्रकाशन वर्ष 1859 था, कब, 1859। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखते, 5 नंबर, मानव भूगोल अस्थाई पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन निम्न में से किसका है, ठीक, मानव भूगोल की अस्थाई पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन निम्न में से किसका है, यह किसके द्वारा किया गया है, लिखा गया है, राइटर कौन है इसका, जीन ब्रूंस, चर्चिल सैंपल, रेटजल, ब्लॉश, कौन बताएंगे, तो 5 नंबर का हो जाएगा बच्चों, क्या चर्चिल सैंपल जो है ये चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किए हुए हैं, यह कथन चर्चिल सैंपल के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, चर्चिल सैंपल। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखिए 6 नंबर, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि ब्रूंस द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है, ब्रूंस द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्य जो हैं यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है, यही है ना, ये है बच्चों प्रथम वर्ग, ठीक है, द्वितीय वर्ग, स तृतीय वर्ग, द चतुर्थ वर्ग, बताइए, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, तो ये हो जाएगा प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग जो है इसके द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों और यथार्थ विभाजन के परिवहन मार्गों का विभाजन सम्मिलित किया गया है, प्रथम वर्ग। क्लियर, नेक्स्ट 7 नंबर, देखिए किसने कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, मानव प्रजाति क्या करती है, नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को, मानव प्रजाति नस्ल जो है प्रकट करती है, किसने कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, सभ्यता को प्रकट नहीं करती है, नस्ल को प्रकट करती है। क्लियर, नेक्स्ट स्ट्रैबो के द्वारा बोला गया, पियरे के द्वारा बोला गया, ब्लॉश के द्वारा बोला गया, टेलर के द्वारा बोला गया, बताइए, तो 7 नंबर हो जाएगा बच्चों, ये जो है टेलर के द्वारा बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था, टेलर के द्वारा, किसने कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि, इसके साथ बस वीडियो देखिएगा, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में, मैं साथ साथ लर्न करवा दूंगा, साथ साथ पढ़ते चलिए, साथ साथ लर्न करते चलिए, और अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, इस तरह से मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और साथ ही साथ लर्न भी हो जाए, ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है, अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस प्रकार से इसको अचीव करते हैं, ठीक, तो देखिए यहाँ
किसने कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, तो यह टेलर के द्वारा दिया गया था बच्चों, किसके द्वारा, टेलर। नेक्स्ट चलते हैं, 8 नंबर देखते हैं। हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण में मानव प्रतिक्रिया में सम्मिलित किया गया, हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण में मानव प्रतिक्रिया में सम्मिलित किया गया प्राथमिक आवश्यकताओं को, मुख्य व्यवसाय तथा कार्य कुशलता को, उच्च आवश्यकताओं को, उक्त सभी को। तो 8 नंबर हो जाएगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा उक्त सभी को। सभी में क्या क्या हो जाएगा, प्राथमिक आवश्यकताओं को। हटिंगटन जो है मानव भूगोल के तथ्यों और वर्गीकरण में मानव प्रतिक्रिया के सम्मिलित किए थे। थोड़ी सी हार्ड है बच्चों, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, तो ध्यान देते चलिए, वो भी इजी बन जाएंगे। इसलिए पुस्तक लेखक के नाम राइटर होते हैं, थोड़े से टफ जरूर होते हैं, लेकिन समझ लेने के बाद क्या होते हैं, वो इजीली हो जाते हैं। और इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इजीली लगे, तो ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए किस टाइप से है, और बस देखिए और लर्न कीजिए साथ साथ, हम तो इस टाइप से समझा देते। तो हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण जो है मानव प्रतिक्रिया में जो है क्या करते हैं, सम्मिलित किए गए हैं प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए, मुख्य व्यवसाय तथा कार्य कुशलता के लिए, और उच्च आवश्यकताओं से उपयुक्त सभी। ठीक है, 90% क्वेश्चन जो है इससे आएंगे, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्योर इसमें से आएंगे 90%। इसलिए ध्यान दीजिएगा, पूछता है ये सब क्वेश्चन, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, हर एक साल पूछा हुआ है, एवरी ईयर एग्जाम में, तो वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आगे देखिए। यहाँ मानव भूगोल की संकल्पना के विकास में योगदान करने वाले निम्न में से कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, वह कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है जो मानव विकास के योगदान में शामिल किया गया है, रिचर्ड हार्टशून, हारलान बैराज, हटिंगटन, पैट्रिक गिडिज, कौन था बच्चों। तो 9 नंबर का हो जाएगा क्या, टाइम देते हैं, गेस करके बताइए आप, जल्दी बताइए, तो ये हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए, पैट्रिक गिडिज। पैट्रिक गिडिज जो है ये संकल्पना जो है भूगोल की संकल्पना के विकास में योगदान करने वाले हैं, पैट्रिक गिडिज। ठीक, क्लियर, आगे चलिए। 10 नंबर, पुराणों की संख्या है क्या, पुराणों की संख्या पूछ रहा है, 15, 16, 17, 18, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 10 नंबर हो जाएगा क्या, 18, पुराणों की संख्या कितनी है, 18, वेद की संख्या कितनी है बच्चों, 4, ठीक है, महाकाव्य कितने हैं, महाकाव्य 2, महाभारत और रामायण, इस तरह देखेंगे, पुराणों की संख्या 18, वेद 4, महाकाव्य महाभारत और रामायण 2। ठीक, आगे देखिए, सेकंड नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन, महाभारत में पृथ्वी को किस तरह का बताया गया है, मतलब पृथ्वी को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, यही पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा गोलकार तश्तरी, गोलाकार, नारंगी की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत में जो पृथ्वी का बताया गया है बच्चों, गोलाकार तश्तरी बताया गया है, क्या बताया गया है, गोलाकार तश्तरी, थाली, तश्तरी मतलब थाली, थाली की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं आगे की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर देखिए, ध्यान दीजिए, द ज्योग्राफी ऑफ पुराण नामक पुस्तक के लेखक हैं, पुराण्स जो है ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, एम शफी, आर एल सिंह, एस एम अली, एस रहमान। तो ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, तो ये हो जाएगा स नंबर, एस एम अली, किसके द्वारा, एस एम अली के द्वारा,
एस एम अली, सिक्स ज्योग्राफी ऑफ पुरांस एस एम अली। 13 नंबर देखिए, मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है, किसका कथन है? मानव भूगोल जो है प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है, यह कथन किसका है? ब्रूंस का, कुमारी सेम्पुल का, कार्ल रिटर का, ब्लॉश का। सही, तो ये हो जाएगा बच्चों 13 नंबर का क्या हो जाएगा? ब्रूंस के द्वारा, ब्रूंस के द्वारा जो है मानव भूगोल प्राकृतिक और मानव शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है, यह कथन किसका है? ब्रूंस का। ठीक, नेक्स्ट, लर्न होता चला रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि लर्न होते चला रहा होगा, आप लोग को अलग से नहीं करना पड़ेगा। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? मानव भूगोल में क्या किया जाता है? मानव है और उसके काम है, उनका अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। तो किसका कथन है? मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यह किसका कथन है? ब्लॉश, डिकेंस एवं पिट्स, ब्रूंस, रेटर। बताइए, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? डिकेंस और पिट्स का ये कथन है कि मानव भूगोल और उसके कार्यों का अध्ययन जो है डिकेंस और पिट्स के द्वारा किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एल्सवर्थ हैटिंगटन किस देश के भूगोलवेत्ता थे? एल्सवर्थ हैटिंगटन किस देश के भूगोलवेत्ता थे? अमेरिका के, इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के? एल्सवर्थ हैटिंगटन जो थे वो किस देश के भूगोलवेत्ता थे, बताइए? तो ये हो जाएगा बच्चों 15 नंबर का, अमेरिका के। एल्सवर्थ हटिंगटन किस देश के भूगोलवेत्ता थे? अमेरिका के। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर, रीटर ने अपना ग्रंथ इडन कुंडे कितने खंडों में प्रकाशित किया था? कितने खंड थे उसके, इसमें कुछ डिटेल्स नहीं देना, इसलिए मैं बस क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ, ठीक? तो कितने खंड पूछ रहा है? 18 खंड, 19 खंड, 20 खंड, 21 खंड, बताइए कितने खंड होंगे बच्चों? इडन कुंडे कितने खंडों में प्रकाशित किए थे? तो 16 का हो जाएगा बच्चों 19 खंड में प्रकाशित किए हुए थे। कितने खंड? 19 खंड में इडन कुंडे ने अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। प्रजातियों की उत्पत्ति किसने लिखी है? प्रजातियों को जो उत्पत्ति किए हुए हैं वह किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखा गया, यही पूछ रहा है ना? तो चार्ल्स डार्विन, रेटर, ब्रूंस, ब्लॉश। बताइए प्रजातियों की उत्पत्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो 17 का हो जाएगा बच्चों क्या, ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन की, प्रजातियों की उत्पत्ति के द्वारा किसके लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन। क्लियर, नेक्स्ट, ब्रूंस ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल किस वर्ष प्रकाशित की थी? ब्रूंस अपनी पुस्तक जो है मानव भूगोल प्रकाशित किए हुए थे, किस वर्ष प्रकाशित किए हुए थे, यही ना? तो 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1010 ईस्वी, 1911 ईस्वी, बताइए। तो ब्रूंस ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल जो किए हुए थे वो किसके द्वारा किए हुए थे? 1010 ईस्वी में मानव भूगोल इसी वर्ष प्रकाशित किए थे, किस वर्ष? 1010 ईस्वी में। क्लियर, आगे देखिए, ध्यान दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। एल्सवर्थ हटिंगटन की लिखित पुस्तक है, एल्सवर्थ हटिंगटन की वह कौन सी पुस्तक है जो उसके द्वारा लिखी गई है? क्लियर, सभ्यता एवं जलवायु, मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रजातियों की विशेषताएं, ये सभी। एल्सवर्थ हटिंगटन की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बच्चों किसके द्वारा? तो ये जो है सभी हो जाएंगे। एल्सवर्थ हटिंगटन की लिखित पुस्तक सभ्यता और जलवायु पर है, मानव भूगोल के सिद्धांत पर है, प्रजातियों की विशेषताएं पर है, और ये सभी पर जो है एल्सवर्थ हटिंगटन लिखित पुस्तक दिए हैं।
सभ्यता एवं जलवायु, मानव भूगोल के सिद्धांत और प्रजातियों की विशेषता। क्लियर। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 20 नंबर, नौ निश्चयवाद। क्या? नौ निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? ठीक, क्लियर। देखिए, नौ निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद और ये रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? यही तो कह रहा, टेलर, लॉश, ब्रूंस, रेटर। सही। तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? और टेलर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? टेलर के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर, निम्न में से किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन कहा है? भूगोल को क्या कहा है? मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन कहा है। ठीक, तो रीटर के द्वारा बोला गया है, हरनाल वेरोज के द्वारा, ब्रूंस के द्वारा कि ब्लॉस के द्वारा, बताइए। तो 21 का हो जाएगा क्या बच्चों? ये जो हो जाएगा, हरलान वेरोज के द्वारा जो है मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन बताया गया है। किसके द्वारा? हरलान वेरोज के द्वारा। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या आ गया, ये कट भी नहीं रहा है। हाँ, तो देखिए 22 नंबर में बता रहा था आप लोग, तो इसमें 22 नंबर में बच्चों क्या कह रहा है कि द ज्योग्राफी ऑफ पुरांस किसकी पुस्तक है? क्या? ज्योग्राफी ऑफ पुरांस, ज्योग्राफी ऑफ पुरांस किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? यही है ना, तो ये हो जाएगा SS M अली, चाणक्य, रीटर, कालिदास। तो ये किसके द्वारा हो गया बच्चों? तो ये हो जाएगा आ नंबर, SM अली के द्वारा। किसके द्वारा? SM अली के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ, ठीक है, कुमारी एलन सैंपल किसकी शिष्या थी? कुमारी एलन सिंपल जो थी वो किसकी शिष्या थी? यही है ना, तो ये देखते हैं बच्चों हम लोग कि एलन किसकी शिष्या थी, तो वो थी जीन ब्रूंस, रेटजल, डिमांजिया, ब्लॉश। तो ये हो जाएगा बच्चों किसके द्वारा? तो ये जो हो जाएगा किसके द्वारा? ब नंबर ऑप्शन, रेटजल के द्वारा हो जाएगा। कुमारी एलन सैंपल किसकी शिष्या थी? तो ये हो जाएगा रेटजल। ठीक, क्लियर। 24 नंबर देखिए, सर्वप्रथम मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संबंध को किसके स्वीकार किया था? वाइडल, डी लॉ ब्लॉश, रेटजल, एलन सैंपल, डिमांजिया। तो ये रेटजल के द्वारा किया गया था बच्चों। किसके द्वारा? रेटजल। ठीक, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, 25 नंबर जो है बच्चों, मानव भूगोल की विषय सामग्री का अध्ययन करने के लिए दो कटिबंधों का अध्ययन करना आवश्यक है। एक वायुमंडल का वह निचला भाग जो पृथ्वी को घेरे हुए है, और दूसरा, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, फिर देखिए रिपीट करते हैं क्वेश्चन, मानव भूगोल की विषय सामग्री का अध्ययन करने के लिए दो कटिबंधों का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, एक वायुमंडल का वह निचला भाग जो पृथ्वी को घेरे हुए है, और दूसरा सौर मंडल, पृथ्वी का ठोस धरातल, जल मंडल और वायुमंडल का ऊपरी भाग। तो ये पृथ्वी का ठोस धरातल का अध्ययन करना जो है दूसरा, यही पार्ट है जिसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 26 नंबर, अपने विचारों की पुष्टि में सैंपल ने किस देश का उदाहरण प्रस्तुत किया? अपने विचारों की प्रस्तुति में सैंपल ने किस देश का उदाहरण प्रस्तुत किया है, यही ना कह रहा है? तो ये देखिए, इटली का, जर्मनी का, रूस का, इंग्लैंड का। तो
स नंबर हो जाएगा रूस का जो है, अपने विचारों के सैंपल का उदाहरण प्रस्तुत किया किस पर, रूस पर। ठीक, आगे देखिए 27 नंबर, ठीक है 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान अपने अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव पर पड़ने वाला वातावरण का प्रभाव सीमित होता है तथा पूर्णतः मानव वातावरण का दास नहीं है, वरन वह उसका एक प्रमुख अंग है, यह किसके द्वारा कहा गया है? एल्बर्ट डिमांजिया, डेविस, वाइट, रैनर। तो ये बोला गया बच्चों एल्बर्ट डिमांजिया के द्वारा, ये बोला गया है इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि मानव वातावरण का दास नहीं है वरन उसका एक प्रमुख अंग है। ठीक, आगे देखिए 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा 28 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, फटाफट देखिए चलिए 28 नंबर देखिए। किन किस विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल में सामंजस्य और संबंध का ही अध्ययन प्रमुख है? कार्ल सौर, वाइट तथा रैनर, रॉक्सबी, रीटर तथा रेटजल। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, वाइट तथा रैनर के द्वारा जो है मानव भूगोल के सामंजस्य और संबंध का अध्ययन किया गया है, वाइट तथा रैनर के द्वारा। क्लियर, आगे देखिए 29 नंबर। किस भूगोल वेत्ता के अनुसार भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है और मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करते हैं? हम्बोल्ट के द्वारा, कार्ल रीटर के द्वारा, ब्लॉच के द्वारा, रेटजल के द्वारा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, कार्ल रीटर के द्वारा जो है मानव भूगोल भूमि क्रियाओं को प्रभावित करती है और मानव अपनी क्रियाओं को भूमि को प्रभावित करता है, कार्ल रीटर बोले थे। कौन? कार्ल रीटर, ध्यान से। 30 नंबर देखिए, संभववाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कौन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संभववाद का जन्मदाता पूछ रहा है। ठीक, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सौर, विडॉल डी लाब्लॉश, जीन ब्रुन्स। आंसर ये देते चल रहा है, कुछ क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरफ देख लेंगे हम लोग और फिर आगे नहीं देगा तो हम बताएंगे। ठीक, संभववाद का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा स नंबर, विडॉल डी ला ब्लॉश। क्या हो जाएगा? संभववाद का विडॉल डी ला ब्लॉश। आगे देखिए 31 नंबर, ज्योग्राफी यूनिवर्स, क्या? ज्योग्राफी यूनिवर्सल किस विद्वान की महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? वह कौन विद्वान है जिसकी महत्वपूर्ण रचना ज्योग्राफी यूनिवर्सल मानी गई है? डिमांजिया, जीन ब्रुन्स, डैमफोते, विडॉल डी ला ब्लॉश। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, विडॉल डी ला ब्लॉश के द्वारा यह महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, विडॉल डी ला ब्लॉश। नेक्स्ट आगे देखिए 32 नंबर, विडॉल डी ला ब्लॉशे की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमन का प्रकाशन उसके मरणोपरांत कब हुआ? ठीक है, विडॉल डी ला ब्लॉशे की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमन का प्रकाशन उसके मरणोपरांत कब हुआ? यही ना है, 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो ये जो है 1923 में जो है क्या हुआ था, विडॉल डी ला ब्लॉश प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमन का प्रकाशन मरणोपरांत हुआ था 1923 में। ठीक, जीन ब्रुन्स किसके शिष्य थे? गुरु इनके थे कौन, शिष्य ये किसके थे? विडॉल डी ला ब्लॉश के, रीटर के, रेटजल के, रीथर रिच थो फैन के। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 33 का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विडॉल डी लॉ ब्लॉस के शिष्य थे जीन ब्रुन्स। विडॉल डी लॉ ब्लॉस के शिष्य थे जीन ब्रुन्स। आगे देखिए, देखते चलिए 34 नंबर देखिए, ध्यान दीजिए 34 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, 34 नंबर की ओर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर देखिए, आर ब्लैंकचर्ड 1877 से 1965 किसके शिष्य थे? एल्बर्ट डिमांजिया के, विडॉल डी ला ब्लॉश के, इसायह बोमैन के, ग्रिफिथ टेलर के। तो ये हो जाएगा बच्चों विडॉल डी ला ब्लॉश के शिष्य थे आर ब्लैंकचर्ड 1867 से 65 तक इनके शिष्य थे विडॉल डी ला। विडॉल डी ला ब्लॉश बहुत सारे शिष्य निकाले थे अपने बच्चों, पिछले वीडियो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया उनको,
और फिर यहाँ पे जो है आर ब्लेंचर्ड भी बिडॉल डी ला ब्लॉस के हिस्से हैं। 35 नंबर देखिए यहाँ, फ्रांस का मानव भूगोल तथा भूमध्य सागरी क्षेत्रों का मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका फ्रांस का मानव भूगोल ठीक, और भूमध्य सागरी क्षेत्रों का मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? यही है ना, डिमांजिया, डी मोर्टन, जीन गोटमैन, मैक्सिमिलर सौर। तो ये हो जाएगा बच्चों जीन गोटमैन के द्वारा जो है फ्रांस का मानव भूगोल तथा भूमध्य सागरी क्षेत्र का मानव भूगोल पुस्तक के लेखक जीन गोटमैन है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, मानव भूगोल के तथ्यों को भौतिक दशाओं और मानव अभिव्यंजना में किस विद्वान ने वर्गीकृत किया है? वह कौन विद्वान था जो मानव भूगोल के तथ्यों को भौतिक दशाओं और मानव अभिव्यंजना में विद्वान में वर्गीकृत किया था? हटिंगटन, रैटजल, ब्रूंस, ब्लॉश। तो ये हो जाएगा बच्चों हटिंगटन के द्वारा। किनके द्वारा? हटिंगटन के द्वारा जो बोला गया था भूगोल के तथ्यों को भौतिक दशाओं और मानव अभिव्यंजनों का किस विद्वान ने वर्गीकृत किया था? हटिंगटन के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर करने वाला भूगोल बिंदु था। पृथ्वी तल को जो है अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर करने वाला भूगोल बिंदु था, वह कौन था? कार्ल रिटर, रैटजेल, ब्रूंस, ब्लॉश। तो वो था बच्चों कार्ल रिटर। कौन था? कार्ल रिटर। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए 38 नंबर, ब्रूंस ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ब्रूंस जो है मानव भूगोल के अध्ययन के वर्ग को विभाजित किए हैं, वो कितने वर्ग में विभाजित किए हैं पूछ रहा है ना, वो वर्ग कितना है? 2, 3, 4, 7। तो ये था बच्चों 3। ठीक, बार नंबर 3 जो है ब्रूंस ने भूगोल अध्ययन क्षेत्र के कितने वर्गों में विभाजित किए हैं? 3 वर्गों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे 39 नंबर, मनुष्य सक्रिय एक्टिव एवं निष्क्रिय पैसिव दोनों ही है, किसने कहा है? एक्टिव भी है और पैसिव भी है, निष्क्रिय भी है और सक्रिय भी है, यह कौन बोला है? यही तो बताना है। ब्लॉस के द्वारा, ब्रूंस के द्वारा, डेविस के द्वारा, कि रैटजल के द्वारा? तो ये हो जाएगा बच्चों ब्लॉस के द्वारा। मानव सक्रिय एक्टिव है, निष्क्रिय पैसिव दोनों, ये किसने कहा है? ब्लॉस ने कहा है। किन कहा है? ब्लॉस। ठीक, अब देखिए 40 नंबर, इनमें से किसको बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी गई है? लास्ट क्वेश्चन, किसको बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी गई है, वह कौन है? होमो सैपियंस, ऑस्ट्रलोपिथेकस, क्रोमैग्नॉन और ये सभी। तो होमो सैपियंस जो है मानव प्रजाति की एक जाति है, इन्हीं को बुद्धिमान मानव की संज्ञा के रूप में प्रकाशित किया गया है, बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी गई है बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है, ताकि शेयर कर दीजिए और सारे बच्चे भी देख लें, इस चैनल के माध्यम से पढ़ लें। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।